गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान ज्ञात करना। हमने कर्ल पीछे पढ़ा था, क्या होता है कर्ल? कर्ल है कोई सदिश क्षेत्र में रखे बंद पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन का अधिकतम मान प्रति एकांक क्षेत्रफल। ये हमने पीछे क्लास में, पीछे के प्रेजेंटेशन में पढ़ा था। अभी हम इसका मान कार्तीय निर्देशांकों के रूप में ज्ञात करेंगे। कार्तीय निर्देशांक मतलब एक्स वाई जेड अक्ष से बना हुआ निर्देश तंत्र। हम किसी कार्तीय निर्देश तंत्र में इसी बिंदु O पर सदिश क्षेत्र का मान मान लेते हैं A वेक्टर है, जिसके x, y, z घटक क्रमशः AX, AY और AZ है। अब बिंदु O के चारों तरफ एक बंद पथ लेंगे जो कि आयताकार है, K, L, M, N। अब इस K, L, M, N बंद पथ से बंधा हुआ पथ DA है। के एल एम एन की एक ओर की लंबाई डी एक्स, एक्स एक्स के अनुदिश लंबाई डी एक्स और वाई एक्स के अनुदिश लंबाई डी वाई है। पथ इस तरह दिखाया हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं जो सेंटर में बिंदु ओ है इसमें ए एक्स, ए वाई, ए जेड घटक दिखा रखे हैं और पथ के एल एम एन से लंबाई के एल डी एक्स, एन एम डी एक्स और के एन डी वाई, एल एम डी वाई। अब हम बंद पथ के एल एम एन पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले पथ के एल, पथ एल एम, पथ एम एन और पथ एन के, इन चारों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के घटक ज्ञात करेंगे इन पथ के ऊपर। फिर उन घटकों को इस पथ की लंबाई से गुणा कर देंगे और चारों पथों के लिए इनको जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा कुल रेखा समाकलन। ओके, शुरू करते हैं। बिंदु O पर अक्ष अक्ष के अनुदिश सदिश क्षेत्र घटक ए एक्स जो बताया था पीछे। अब हम के एल पथ पे जाना चाहते हैं। के एल पथ है वाई दिशा में नीचे की ओर, तो वाई दिशा में ए एक्स में परिवर्तन की दर कितनी है? वो होगी डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब चूंकि ओ बिंदु से वो पथ नीचे की ओर है इसलिए माइनस डायरेक्शन में है और दूरी है डी वाई बाई टू, तो ओ से माइनस डी वाई बाई टू दूरी पर पथ के एल पर सदिश क्षेत्र के एक्स घटक का मान कितना होगा? ए एक्स जो पहले था और उसमें जो चेंज आया है डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू, चूँकि ये माइनस में है नीचे की ओर है इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू। अब इसी प्रकार हम पथ एम एन के लिए, पथ एम एन जो कि ऊपर की ओर जा रहा है और वो एक्स अक्ष की दिशा में ही है, पॉजिटिव दिशा में ही है, वहाँ पे वो जाएगा, सॉरी मतलब उल्टा बोल दिया, पथ एम एन जो कि एक्स अक्ष की दिशा में ही है लेकिन एक्स अक्ष के विपरीत है, अनुदिश है लेकिन विपरीत दिशा में है, एक्स अक्ष बाएं से दाएं जा रही है और ये पथ एन एम दाएं से बाएं आ रहा है, एम एन पथ दाएं से बाएं आ रहा है, इसलिए इसके अंदर एक बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ जाएगा जो इसमें दिखाया गया है और अंदर प्लस साइन आया है। ये प्लस साइन इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर जो दूरी एक्स अक्ष बिंदु ओ से जो पथ एम एन की दूरी है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया है। अब हम बात करें एल एम पथ की। एल एम पथ चूँकि प्लस वाई दिशा में जा रहा है इसलिए बाहर भी पॉजिटिव साइन आएगा और चूँकि एल एम पथ ओ से दाई ओर है यानी प्लस एक्स दिशा में है इसलिए ब्रैकेट के अंदर भी प्लस साइन आ जाएगा। हम सिमेट्री से सारे लिख सकते हैं। एन के चूँकि लेफ्ट साइड में है यानी माइनस एक्स डायरेक्शन में है
इसलिए इसमें ब्रैकेट के अंदर माइनस आएगा, और चूंकि ये ऊपर से नीचे यानी माइनस वाई दिशा में जा रहा है इसलिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन आएगा। इक्वेशन 1 to 4 हमें मिल गए हैं सदिश क्षेत्र के इन पथों के अनुदिश घटक। अब हम निकालें रेखा समाकलन। रेखा समाकलन होगा पथ के टू एल, पथ एल टू एम, पथ एम टू एन और पथ एन टू के सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलनों का योग जो हमने दिखा दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इन चारों के मान क्या क्या होंगे, सदिश क्षेत्र का घटक उस पथ पर और पथ की लंबाई। तो पहला के एल पथ के अनुदिश, समीकरण नंबर एक से हमने घटक निकाला, गुणा पथ की लंबाई डी एक्स। ऐसे ही दूसरे पथ के लिए, ऐसे ही तीसरे पथ के लिए, सही चौथे पथ के लिए, चारों पथों के लिए लिख दिया, उनको ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे कि ए एक्स से ए एक्स और ए वाई से ए वाई कैंसिल हो जाएंगे और दो टर्म और कैंसिल होकर लास्ट टर्म बचेंगी डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। अब हमने पीछे जो कल की परिभाषा पढ़ी थी उसमें देखा था कि जब लंबवत घटक हो सदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन अधिकतम होता है। तो ये जो हमने निकाला है रेखा समाकलन, यह अधिकतम होगा जेड एक्स दिशा में। तो हमने इस तरह से सदिश क्षेत्र का जेड दिशा में, सॉरी, सदिश क्षेत्र का जेड दिशा में कर्ल का घटक ज्ञात कर लिया है। अभी नेक्स्ट, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का जेड घटक वो होगा लिमिट डी एक्स डी वाई या डी ए टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन या रेखा समाकलन, वो जो पीछे दिया था के एल एम एन पद के अनुदिश रेखा समाकलन, बटा उस पद द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल डी एक्स इंटू डी वाई या बोल दें डी ए। तो पीछे हमने रेखा समाकलन निकाल लिया है, वहाँ पे डी एक्स इंटू डी वाई आ रहा था, नीचे भी डी एक्स इंटू डी वाई आके कैंसिल हो गया तो लिमिट भी हट जाएगी। तो फाइनली हमने कर्ल का चेयर घटक निकाला जो डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई प्राप्त होता है। अब इसमें देख रहे हैं जेड कहीं नहीं आ रहा, इक्वेशन 7 में जो राइट साइड में टर्म है उसमें जेड कहीं नहीं आ रहा। जेड में क्या आया, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, जेड के बाद आता है एक्स, इट मीन्स जो नेक्स्ट है उसके सापेक्ष अवकलन। फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, जो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इसके नेक्स्ट जेड के बाद नेक्स्ट आता है एक्स, तो उसके सापेक्ष अवकलन, और जो उससे पहले वाला है वो उस घटक का अवकलन माइनस उससे उल्टा। ऐसी सिमेट्री से हम आगे वाले लिख सकते हैं। अब यदि हम एक्स के सापेक्ष लिखें तो एक्स से नेक्स्ट है वाई, तो वाई के सापेक्ष अवकलन डेल अपॉन डेल वाई, और उससे पहले वाला आता है जेड ए जेड माइनस उससे उल्टा। ऐसे ही वाई घटक के लिए देखें तो वाई से नेक्स्ट है जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड आएगा, और उससे पहले वाला है एक्स तो ए एक्स आ जाएगा माइनस इससे उल्टा। इस तरह चारों तीनों दिशाओं में हमने घटक लिख दिए। हम कर्ल का मान ज्ञात करें तो आई जेड आई कैप इंटू एक्स घटक प्लस जे कैप इंटू वाई घटक प्लस के कैप इंटू जे घटक लिखें और इनके इक्वेशन से मान रखें तो इक्वेशन 10 हमें मिल जाती है कर्ल ऑफ ए वेक्टर। और इसको हम सारणिक रूप में लिख सकते हैं। सारणिक रूप में जानते हैं कि किसी सदिश, किन्हीं दो सदिशों का जो गुणनफल है उसको हम सारणिक रूप में लिख सकते हैं इस तरह से डिटरमिनेंट में आई कैप जे कैप के कैप डेल एक्स डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। हम देखें तो ये कुछ जो इसका सारणिक का मान है वो इक्वेशन 10 ही मिलता है। अब हम जानते हैं कि ये दो सदिशों के गुणनफल के बराबर भी लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो आएगा सदिश आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, आई जे कैप डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल जेड, जो कि होता है डेल संकारक जो हमने पीछे ग्रेडियंट में और डाइवर्जेंस में पढ़ा था। और दूसरा आएगा आई कैप ए एक्स प्लस आई जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, जो ए वैक्टर सदिश ए वैक्टर होगा। तो इस प्रकार कर्ल ऑफ ए वैक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस ए वैक्टर लिख सकते। तो हमने ज्ञात कर लिया है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान जो कि डेल संकारक और सदिश क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू।